नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार है। इस हार के बाद टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में सफर लगभग खत्म सा हो गया है। भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बहुत कम बची है। भारत की हार से क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया है, फैंस दुखी हैं। कीवियों से मिली हार के बाद दिग्गज भारतीय क्रिकेटर्स और फैंस अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, तो भला इसमें राजनेता लोग कहां पीछे रहने वाले थे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एवं तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भी भारत की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा, हमने उनका आदर किया है, उन्हें सराहा है, उनकी प्रशंसा की है और उन्हें सम्मानित भी किया है। हमें उनके हारने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इस बात का मलाल है कि उन्होंने लड़ाई भी नहीं लड़ी। कप्तान विराट कोहली को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गलत हुआ, हम इसे खुद देख सकते हैं, उन्हें हमें बताना होगा ऐसा क्यों हुआ। मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 110 रनों का स्कोर खड़ा किया। रविंद्र जडेजा, नाबाद 26 रन और हार्दिक पांड्या 23 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 3 और ईश शोरी ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बड़े आराम से लक्ष्य को हासिल कर मैच जीत लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।